हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो सीरीज के सिंपल स्टेज एंड स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे 1.5 स्टेज एंड स्ट्रेंथ इन ए बार बाय इट्स ओन वेट। मीन्स व्हाट? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन ए बार बाय इट्स ओन वेट मीन्स वन बार इज हैंगिंग। इफ वन बार इज हैंगिंग देन व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप्ड इन दिस बार। मीन्स इफ वन बार इज हैंगिंग फ्रॉम एनीवेयर, इट इज बी हैंगिंग, देन व्हाट आर द स्ट्रेस एंड व्हाट आर द स्ट्रेन डेवलप इन दिस। जस्ट वी विल प्रोसीड दैट। Now you will see that one in practical example if you want to be see। अगर आप practical example देखना चाहते हैं तो जैसे projector ये hang करते रहता है, ऊपर ceiling से projector hang कर रहा है, then here in this pipe or in this support or pipe one stress and strain both will develop, stress and strain, then how much stress and strain will develop, that things we will continue, we will calculate that one। So प्रोसीडिंग दैट वन हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बीम है, एक जिसका हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लिए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स व्हाट, अगर इसको हम परपेंडिकुलरली देखें तो इसका डायमीटर कुछ ऐसे होगा, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका लेंथ एल हो, अगर इसका लेंथ L है तो कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। जस्ट वी विल सी हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। डेल्टा L इक्वल टू, डेल्टा L मीन्स व्हाट, चेंज इन लेंथ। डेल्टा L चेंज इन लेंथ मीन्स व्हाट, अ बार इज हैंगिंग, इनिशियली इज दिस वन एंड आफ्टर सम टाइम्स इट्स बिकम, ड्यू टू इट्स वेट इट्स बिकम लाइक दैट, सो व्हाट आर लेंथ इज विल बी चेंज। ये लेंथ दिख रहा है, इसको हम लोग डेल्टा एल बोलते हैं। ये क्या ओरिजिनल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये अगर एल नॉट हो तो ये एल वन हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, एल वन माइनस एल नॉट, दैट इज द चेंज इन लेंथ, इसको हम लोग डेल्टा एल बोलेंगे। सो डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एल इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू ई। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, ये फार्मूला है, इसको थोड़ा क्लियरली देखेंगे कि डेल्टा एल इक्वल टू स्मॉल डब्लू, डेल्टा एल इक्वल टू स्मॉल डब्लू एल स्क्वायर बाय टू ई। इसको अच्छे से देखें, स्मॉल डब्लू मतलब स्पेसिफिक वेट, यहाँ देखो इसको देखिए, ये स्पेसिफिक वेट, स्मॉल डब्लू मीन्स स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वेट मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज द स्पेसिफिक वेट। तो हमको इस पे नहीं जाना है, जस्ट वी विल सी दैट वन कि स्मॉल डब्ल्यू रहेगा तो स्पेसिफिक वेट, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेट दिया है तो हम लोग डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू ई का यूज़ करेंगे। अगर हमको टोटल वेट दिया हुआ है तो डेल्टा एल इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू एल बाई टू ए ई, इस फॉर्मूला का यूज़ करें। यहाँ पर देखेंगे कैपिटल डब्ल्यू मतलब टोटल वेट, L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया, E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये दोनों फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। कैपिटल W मतलब टोटल वेट, टोटल वेट ये दिख रहा है टोटल वेट, L मतलब लेंथ, A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स अगर एक राउंड पाइप है तो इसका जो आगे का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, दैट इज द E, E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस। अगर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। थोड़ा और देखते हैं उसी को, थोड़ा इलेबोरेट करके कि स्पेसिफिक वेट के कंडीशन में, उसी को यहाँ पे इलेबोरेट किया है कि डेल्टा एल बाय टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू ई, वेयर स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, कैपिटल डब्ल्यू मीन्स टोटल वेट, और यहाँ पे देखेंगे ये वाला फार्मूला में कैपिटल डब्ल्यू है, मीन्स इफ टोटल वेट गिवन then डब्ल्यू एल बाई टू ए ई। सो रिमेंबर टू फार्मूला, डेल्टा एल इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू
एल स्क्वायर बाय टू ई, और दूसरा है डेल्टा एल इक्वल टू कैपिटल डब्लू एल बाय टू ए ई। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन अ कॉपर एलॉय वायर ऑफ 1.5 mm डायमीटर। आपको डायमीटर दिया हुआ है 1.5 mm। इज हैंगिंग फ्रीली, मीन्स ये क्या हो गया, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। हैंगिंग फ्रीली मीन्स इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर हम लोग देखेंगे, ये हो गया इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। What will be the elongation due to self-weight of the wire? Take a specific weight of the copper, means specific weight मतलब क्या, small w, copper and its modulus of elasticity E दिया हुआ है। specific weight क्या है, 89.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू, और ये इक्वल टू 990 GPa। अब थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, 90 GPa मतलब गीगा मतलब क्या, 90 × 10⁻⁹ पास्कल। अगर गीगा मतलब 10⁻⁹, मेगा मतलब, अगर मेगा दिया रहेगा तो 10⁻⁶, गीगा दिया रहेगा तो 10⁻⁹। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अभी देखिए इसको कि 90 × 10⁻⁹ पास्कल, और यहाँ पे 89.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको फिर थोड़ा सा और चेंजिंग करते हुए 89.2 किलो है तो 10³ न्यूटन पर मीटर क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, तो अगर हम पीछे की स्लाइड में अगर हम लोग जाते हैं तो स्पेसिफिक वेट के कंडीशन में, अगर स्पेसिफिक वेट का कंडीशन देखते हैं तो ये है, मीन्स डेल्टा एल इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू ई। अभी देखिए स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू ई, यही है तो स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है। एक दूसरा चीज़ क्या है, हमको क्या चाहिए, स्मॉल एल मीन्स लेंथ। अब देखते हैं कि लेंथ दिया हुआ है कि नहीं, 30 मीटर लॉन्ग, यहाँ पे देखिए मीन्स हियर 30 मीटर लॉन्ग गिवन, मीन्स ये लेंथ भी दिया हुआ है। अभी देखिए जस्ट चेंजिंग कलर, अभी देखिए W दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट ऑलरेडी कैलकुलेटेड, L दिया हुआ है दैट इज लेंथ हियर ऑलरेडी देयर, ई दिया हुआ है यहाँ पे 90 GPa। तो आप सब कुछ अगर इनपुट करेंगे तो ऑलरेडी यू विल गेट द आंसर। सो कैसे हम लोग सेल्फ वेट का यूज करते हैं, यू अंडरस्टूड क्लियरली, इसका आंसर होगा, अगर हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलोंगेशन ऑफ बार ऑफ वेयरिंग क्रॉस सेक्शन। ये था क्या, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म वेयरिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म मीन्स जस्ट यूनिफॉर्म, इसको हम लोग देखेंगे। वेयरिंग मीन्स जस्ट क्रॉस सेक्शन मीन्स इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट्स वेयरिंग, दैट इज द वेयरिंग क्रॉस सेक्शन। इफ सेल्फ वेट हैंगिंग मीन्स इट्स लुक्स लाइक दैट लाइक दैट, और इट कैन बी ऑल्सो इन डिफरेंट वे, इट कैन बी ऑल्सो like that, it can be also its looks, it can be like that also, means इस तरह का area भी हो सकता है, means area cross sectional area vary कर रहा है। आपको ये video कैसा लगा comment करके ज़रूर बोलिएगा। तब तक के लिए thank you।